अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमु साकिब और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी साइट की रोज़ की अपडेट्स आपको दूंगा, तो आज भी मैं इसीलिए हाज़िर हुआ हूं कि ज़ैनब प्राइड की क्या डेवलपमेंट्स हैं आज की तारीख में, वो आपको दिखाऊंगा। और मेरी पिछली वीडियोज़ भी इसी से रिलेटेड थी, आपको इसकी डिटेल मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मिल जाएंगी, लेकिन आज भी मैं आपको उसकी कुछ डिटेल दे दूंगा। और इसके अलावा मज़ीद डिटेल अगर जाननी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप मुझसे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बिना देर करे चलते हैं साइट की तरफ। तो भाई, आज का काम मैं दिखाता चलूँ आपको कि आज की क्या प्रोग्रेस है। तो भाई, ये साइट है हमारी, मैं दिखाऊँ आपको। और मज़े की बात यह है कि यहाँ बोरिंग भी चल रही है, बोरिंग मशीन फिट हो गई है, बोरिंग भी आप देख सकते हैं। ये हमारी साइट है, अभी हम अंदर भी जा के देखेंगे कि आज के काम की क्या प्रोग्रेस है। पहले मैं आपको फिर से ये ओवरव्यू दिखा दूँ सोसाइटी का। चलें, अब चलते हैं साइट की तरफ के काम की क्या प्रोग्रेस चल रही है भाई इस वक्त। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रोज़ाना अपडेट देता रहूँगा, तो बीच में ज़रा गैप ज़रूर आ जाता है दिनों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज ठीक ठाक प्रोग्रेस हो गई है। ये देखें, यहाँ सरिया पड़ा था, तो सरिया आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक यहाँ से कट कर अंदर साइड पे लग चुका है। ये एक फट्टा बांधा हुआ है सरिये को काट कर उसको साइजिंग करने के लिए। ये शटरिंग पड़ी है हमारी, और अंदर मज़दूर लगे हुए हैं भाई साहब। ये देखें ये जाल, अभी मैं इनसे पूछता हूँ। ये लिफ्ट का जाल है, अरे भाई ये लिफ्ट का जाल है, ये देखें। और इस वक्त भी ये कॉलम्स बना रहे हैं, कॉलम्स बन के कुछ खड़े हो गए, ये देखें। और मज़े की बात ये है कि भाई शटरिंग भी लग चुकी है आज की प्रोग्रेस में। इससे पहले वीडियो मैंने जो आपको दिखाई थी उसमें शटरिंग नहीं थी, उसमें जस्ट कॉलम्स थे। तो ये देखें आप, अच्छा ये जो है ना, मतलब जो कॉलम्स में गैप ज़्यादा है तो उसको एक ही जाल कर कर ये कॉलम्स खड़े किए हैं, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें आप, ये दो कॉलम्स हैं, इसका नीचे से जो जाल है वो एक ही है, क्योंकि इनमें स्पेस कम था। तो इसी तरह मतलब ये एक ही जाल के अंदर दो कॉलम कर दिए हैं, अब इसकी इसी तरह भराई हो जाएगी बाद में। और अभी ये देखें, एक ये जाल है, यहाँ पे भी कॉलम अभी लगना बाकी रह गया है, और बाकी देखें लगे हुए हैं। ये बोरिंग की मशीन चल रही है, मैंने जैसे आपको शुरू में दिखाई थी। और ये दूसरा प्लॉट है, जिसकी भी तामीर जब शुरू होगी इसकी भी मैं आपको ब्लॉगिंग दिखाऊंगा ज़रूर। और ये इसका एक और कॉलम है, और ये कॉलम तो अभी फिक्स नहीं हुए हैं, ये अभी इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। इसको जब ये मुकम्मल हो जाएंगे सारे, तो ये जो जाल बकाया हैं तो ये वाले कॉलम उन पे फिट कर दिए जाएंगे। और ये मैं दिखाऊं, ये टैंक की जगह है, यहाँ पे एक ट्रेजेडी भी हो गई थी हमारे साथ कि नीचे से पानी बहुत स्पीड में आ रहा था ज़मीन से ना, तो यहाँ वाली जो दीवार है लेफ्ट हैंड की, तो वो गिर चुकी थी। देखें ये ब्लॉक्स पड़े हुए, ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि अंदर कोई मौजूद नहीं था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी इसकी सफाई कराई है, और अब ये दीवार फिर बनेगी, और इसके अंदर सारा टैंक का जाल बंधेगा सरिये, और फिर उसके बाद शटरिंग लगा के इसकी भी भराई कर दी जाएगी। अच्छा, मैंने सोचा अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं कि ये कॉलम बनते कैसे हैं। अब ये देखें, ये एक दो तीन, ये तीन सरिये की जो रॉड्स हैं,
ये वो लोहार यहाँ पे स्टैंड पे ला के रख रहा है और वो मज़ीद आगे से लेकर आ रहा है। और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हैं कॉलम किस तरह बनाएंगे हम ए टू जेड यहाँ से चलेंगे। ये देखें, ये मज़ीद तीन रॉड्स और ले आया है सरिये की, इसने ये रखी हैं भाई स्टैंड पर। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ दिखाऊँ, ये देखें, ये यहाँ पे इनकी है ये स्टील डिज़ाइन, ये इसके मुताबिक सारा सरिया काटेंगे कि किस कॉलम में कितने सरिये लगने हैं, क्या है, जिस तरह इंजीनियर ने ये ड्राइंग डिज़ाइन करी हुई है स्टील, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उसको लेके चलेंगे। तो अभी ये देखें कि ये आ गए भाई, और ये अब एक कॉलम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भाई वहाँ से और सरिये लेकर आ रहे हैं। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि ये सरिया कितनी रॉड्स का है, तो फिर आपको भी इसका पता लग जाएगा। अरे भाई साहब, ये कितने सरियों का है कॉलम ये वाला? भाई ये 10 सरियों का कॉलम बन रहा है, 6 फुट पे। मतलब इसमें भी साइजेस होते हैं 3/8, 4/8, फिर 5/8, 6/8, 6 फुट मतलब 6/8। ये जो सरिया है इसकी मोटाई है जी 6/8। काफ़ी हैवी कॉलम लग रहा है ये मुझे। ये देखें भाई, ये रिंग्स ले आए यहाँ पर, और यहाँ से फोकस करता हूँ मैं। भाई आप लोग YouTube पे भी आने वाले हो फिर, पता है आपको, कह रहा हूँ YouTube पे भी आने वाले हो। भाई ये देखें यार, इनकी माशाल्लाह स्पीड चेक करें, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल है। देखें भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 लड़ियां ये रखी हुई हैं, ये अभी वो बाद में इसमें ऐड कर देंगे और उसको बांध देंगे। वो बाद में देखें, हाथ से टाइट करने के बाद ये देखें, ये प्लास से भी इसको टाइट कर रहे हैं ताकि मजबूती और हो जाए। अब ये देखें भाई, इसमें तो छोटे रिंग्स भी डल रहे हैं। अब ये देखें भाई, 2 रॉड्स जो रखी हुई थी बकाया वो भी आ रही हैं। ये अब इसमें ये देखें, ये ऐड हो गई। इस तरह से अब देख सकते हैं आपके ये पूरे 10 सरियों का एक कॉलम बन चुका है इस वक्त ना, और काफ़ी हैवी कॉलम है ये। क्योंकि ये देखें, ये भी सरिया है लेकिन ये पतला है,
और ये इससे काफ़ी मोटा है, ये 6-8 है। इसमें रिंग यहीं तक आएंगे, जब ऊपर से आएंगे। अच्छा अच्छा भाई, इस वक्त फ़िलहाल ये कॉलम तैयार है इस वक्त। और ये देखें, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये जो कॉलम सारे लगे हुए हैं, ये एक एक करके इसी तरह से बिल्कुल तैयार हुए हैं। हाँ, ये पेटी सही, इसमें शटरिंग लग करना। हाँ ये सही 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 सही। तो भाई ये था कॉलम बनाने का तरीका, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पसंद आया होगा। तो भाई ये थी आज की डिटेल, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको मज़ीद डिटेल्स अगर चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।